नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूँ प्रियंका उप्पल आनंद। बाजार शास्त्र, जी हाँ, बाजार का यानी शेयर बाजार का अपना एक शास्त्र है। इसके अपने कायदे हैं, अपने कानून हैं। इन्हीं सब कायदे कानून को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिग्नानी मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बाजार शास्त्र। बाजार का क्या शास्त्र है, इसी को समझने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। और पहले एपिसोड में हमने ये समझा जहाँ साफ तौर पर कि शेयर बाजार को एक जुआ ना समझे, एक गैम्बल ना समझे। इसका अपना एक सेट पैटर्न है, अपना एक रूल बुक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को ये आता है कि वो कहते हैं सर हमें यहाँ लॉस हो जाता है। कुछ लोगों का नेचर नहीं होता है लॉस खाने का, उनका समझ नहीं होता है, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला होता है कि लॉस लेना होता है। स्टॉक मार्केट का रूल नंबर वन, जिसको मैंने नहीं बोला, वॉरेन बफेट जी जो स्टॉक मार्केट के भगवान कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था डोंट लूज मनी। उन्होंने भी बोला डोंट लूज मनी। चाहते तो सारे हैं कि डोंट लूज मनी, लेकिन हो जाती है। दिक्कत यह है कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। उन्होंने क्या बोला डोंट लूज मनी, डोंट लूज मनी का मतलब क्या, हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है उससे, उन्होंने किस लिए बोला, वो उनकी अपनी सोच है, हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है। हमारा कहना यह है कि डोंट लूज मनी का मतलब यहाँ पे पैसा जो है वो प्रोडक्ट है। जो आदमी यहाँ पैसा लेके आ रहा है वो एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है। यहाँ स्टॉक मार्केट में जो भी लोग काम करने आते हैं उनके पास क्या है, पैसा ही है। पैसा प्रोडक्ट है, इसलिए उसको लूज नहीं करना है। आज अगर मैं मान लीजिए पेन बनाता हूँ, तो मेरे पास मेरा पेन जो है वो प्रोडक्ट है, मैं उसको 5 रुपये का बनाऊंगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ूंगा, उसको सेल कर दूंगा। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, सिर्फ पैसा। यहाँ हमारे पास सिर्फ पैसा है। आज अगर मैं 800 रुपये का रिलायंस का शेयर ले रहा हूँ, तो रिलायंस का कंपनी मेरे नाम नहीं होने वाला है। DLF का अगर मैं 200 रुपये का शेयर ले रहा हूँ, तो 200 रुपये में मेरे नाम कंपनी नहीं खुल रहा है। मैं आपको ट्रेडर की बात बोल रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास पैसा है, यानी कि 200 रुपये खरीदने हैं और 220 बेचने की इच्छा है जी। पैसा ही खरीदना है और पैसा ही बेचना है, राइट। तो पैसा प्रोडक्ट हो गया। तो हमारा कोशिश सबसे पहला ये रहता है कि उस प्रोडक्ट को लूज ना किया जाए। एक आदमी यहाँ 2 लाख रुपए लेके आता है और वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, समझ नहीं है उसको, वो अपने पैसे को धीरे 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 कम करता जाता है। उसको ये नहीं मालूम कि वो प्रोडक्ट लूज कर रहा है। अगर वो उस पैसे को कम करता जाएगा तो उस पैसे से होने वाली सारी इनकम बंद होती जाएगी। आज 2 लाख रुपए उसके पास हैं तो 2 लाख से एक इनकम आ सकता है। पैसे से ही पैसा बनता है, पैसा से ही पैसा कमाना है एक्चुअली, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। आपको हर कीमत पे ये जानना है कि जो मेरे पास पैसा है वो मुझे बचा के रखना है। पैसा बचा के रखना है, यानी आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि लॉस नहीं करना है। क्या हम लॉस करने से डर जाएं? नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है मेरा कि आप लॉस करने से डर जाएं। उस पे हम आगे बात करेंगे कि लॉस जो है वो इस पूरे खेल का एक हिस्सा है। हमारा यहाँ पर कहना ये है कि पैसा बचा के रखने का मतलब, आप जब मार्केट में काम करने जाते हैं तो आपको ये मालूम नहीं होता है कि मेरे को वो स्टॉक क्यों लेना है, क्यों बेचना है। कम से कम उतना होमवर्क आपका होना चाहिए, आपको ये बात मालूम रहना चाहिए कि अगर मैंने ये पैसा जो मेरे पास है अगर वो मैंने लूज कर दिया, तो फिर मैं लोगों को सलाह देने लायक रह जाऊंगा। जिनके पास पैसा खो जाता है इस मार्केट में, वो सिर्फ सलाह देने लायक रह जाते हैं। वो बोलते हैं हम बताते हैं आपको क्या लेना है। आप कितने भी समझदार हो जाइए, कितने इंटेलिजेंट हो जाइए, सारी पढ़ाई कर लीजिए, सब रूल बुक छान मारिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बेकार है। सब समझ होगा आपके पास, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल मार्केट इसको बोलते हैं। तो कैपिटल होना चाहिए जी। सारा समझ काम तभी आएगा जब कैपिटल है हमारे पास। कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो पूंजी है उसको बचाकर जरूर रखना है, लेकिन लॉस करने से आपने कहा कि डरना नहीं है। लॉस करने से डरना नहीं है, लॉस इस गेम का हिस्सा है, लॉस हमें लेना पड़ेगा। हमारा ही कहना यह रहता है कि लोगों को एक्चुअली लॉस करना नहीं आता। जब हम लोगों को ये बात बोलते हैं कि आपको लॉस करना नहीं आता, तो बोल रहे सर हम तो इसमें एक्सपर्ट हैं, हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं। या फिर लोगों को साइकोलॉजी ये जाते हो कि आप उल्टा क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हो कि मुनाफा करना नहीं आता, लॉस तो कोई करना ही नहीं चाहता। नो, हम यही बोलते हैं। अभी हमने पहले बात बोली कि डोंट लूज मनी, दोबारा मैं आपको आगे बोल रहा हूं कि आपको लॉस करना नहीं आता, मुनाफा करना आता है। इस मार्केट में जितने लोग काम करने वाले हैं, आप किसी आदमी से पूछ के देखिएगा, उन्हें ये बात आप बोल के देखिएगा कि आपने कभी मुनाफा क्या नहीं कमाया, क्या आपने मुनाफा नहीं कमाया, वो आपको बोलेगा जरूर कमाया, लेकिन लॉस ज्यादा होता है मुनाफे से।
इसलिए उनकी जो फिगर है वो नेगेटिव में आती है। देखिए हर हर काम का हम इसको पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये बिजनेस है, अगर ये बिजनेस है तो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होना चाहिए। हर बिजनेस का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। एक बिजनेस लगाते हैं आप, एक फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं, पहले आपको एक प्रॉफिट आता है, लेकिन वो प्रॉफिट आप घर लेके नहीं जा रहे हैं, उस प्रॉफिट पे आपको एक्सपेंस लगता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, इंप्लॉई कॉस्ट लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, खर्चे लगेंगे, उसके बाद जो कट के आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट है जिसको आप घर लेके जा रहे हैं जी। लेकिन इस मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट आपके हाथ में आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट है एक्चुअली, और जो एक्सपेंस है जिसको हम और बिजनेसेस, अगर हम बोलते हैं ये बिजनेस है वो भी बिजनेस है, तो और बिजनेसेस में एक्सपेंसेस हैं, वहां फैक्ट्री है, आपका शॉप है, दुकान है, एम्प्लॉय है, बिजली है, यहाँ क्या एक्सपेंस है आपका? कोई एक्सपेंस ही नहीं है। यहाँ पे आप एक कंप्यूटर पे बैठ के चाहे आप 2 लाख का काम कीजिए, चाहे आप 20 करोड़ का काम कीजिए, आप कर सकते हैं, एक्सपेंस तो है ही नहीं आपका कुछ। जब आपका कोई एक्सपेंस नहीं है तो वो कॉलम जो है वो खाली रहेगा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो पूरी कैसे होगी? यानी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट एक नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं? नहीं हो सकता, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एक कभी नहीं हो सकता किसी भी बिजनेस में, अगर ये बिजनेस है तो। और यस, शेयर मार्केट एक बिजनेस है, इसे हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। पहले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं कि शेयर बाजार एक कारोबार है, बिजनेस है, इसके कुछ रूल्स हैं, और ये नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट की इक्वेशन क्या है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। एक सवाल पर हम अटक गए हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के इक्वेशन में दोनों इक्वल हैं, स्टॉक मार्केट में कोई एक्सपेंस नहीं है। बट सुनील जी, अगर कोई भी इंसान ट्रेडिंग करता है, उसको मुनाफा भी हो जाता है, लेकिन एक्सपेंस तो उसे देना पड़ता है, उसे एसटीटी देनी पड़ती है, उसे ब्रोकिंग देनी पड़ती है। आप अगर कोई बिजनेस में करते हैं, इनकम कमाते हैं, उस पर आप टैक्स देते हैं, वो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, आप कोई भी कमाई करें उस पर टैक्स देते हैं, वो टैक्स है। हम यहाँ एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस में जब आप कोई मुनाफा कमाते हैं, उस मुनाफे को घर ले जाने से पहले भी आपको एक्सपेंस करना पड़ता है, वो एक्सपेंस यहां नहीं है। आप कोई भी काम करते हैं, आपका बिजनेस है, आपका शॉप है, आपके पास एक शॉप है, आप 4 बनाना चाहते हैं, आपको एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉय बढ़ाने पड़ेंगे। आपका फैक्ट्री है, आप उसमें आज 5 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, कल 20 करोड़ करना चाहते हैं, उसी एक्सपेंस में हो जाएगा? नहीं होगा। बहुत अच्छे से कन्विंस कर रहे हैं मुझे कि एक अच्छा बिजनेस है। यहाँ पे क्या है, आप अगर आज आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप 5 लाख का काम करेंगे, आप 50 लाख हैं, 50 लाख का काम करेंगे, 5 करोड़ है, 5 करोड़ का काम करेंगे, सिर्फ 0 लगाना रहेगा आपको। यानी पूरी कैपिटल यूज हो सकती है आपके बिजनेस में, जो आप अपनी जेब में लेकर आते हैं, जो आपकी कैपिटल है उसको आप यूज कर सकते हैं। सिस्टम हालांकि सबके अलग अलग है, लेकिन आपका एक्सपेंस का साइज उतना नहीं बढ़ता है जितना कि बाकी बिजनेसेस में करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि इस बिजनेस में जहां ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आता है, नेट प्रॉफिट हमारा तब आएगा जब हमारा वो बीच का जो कॉलम है एक्सपेंस वाला वो आएगा, लेकिन एक्सपेंस तो यहाँ है ही नहीं, तो एक्सपेंस का कॉलम आना चाहिए। अगर ये बिजनेस है तो वो इक्वेशन कंप्लीट होना चाहिए, राइट? तो वो उस इक्वेशन में एक्सपेंस की जगह यहाँ लॉस आता है। लॉस जो है वो इस पूरे खेल का हिस्सा है। यानी लॉस से आपको डरना नहीं है, लॉस भी इस गेम का हिस्सा है, लॉस भी करना आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मास्टर से मास्टर आदमी यहाँ पे 10 में से 4 बार गलत होता है। मास्टर आदमी यहां पर जितना भी जो भी काम हम अगर नॉलेज से भी करता है, समझ से भी करता है, प्रोबेबिलिटीज का गेम है। आप काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जैसे हम अभी इस पे आ जाते हैं, चोर हर बार थोड़ी कामयाब हो जाता है, जुआरियों से ज्यादा होता है कामयाब। 100% आप राइट नहीं हो सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटीज हायर साइड पे होती है जितना आपको एक्सपीरियंस होता है, जितने आप मास्टर हो जाते हैं उस खेल के। लेकिन लॉस लेना पार्ट ऑफ द गेम है। हम यहाँ लोगों को वही समझाना चाहते हैं कि लॉस इस पूरे खेल का हिस्सा है, आप उसको अलग करके इस खेल को नहीं खेल सकते, इस बिजनेस को आप नहीं कर सकते अगर आप लॉस को लेना नहीं जानते। हमारा कहना यहाँ ये है कि लॉस आपको लेना नहीं आता, यानी कि कितने लॉस में आपको बाहर निकलना है। अगर वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, तो लॉस का कॉलम अगर छोटा होगा तो नेट प्रॉफिट प्लस में आएगा, लॉस का कॉलम अगर बड़ा होगा तो नेट प्रॉफिट माइनस में आएगा। आज भी यही होता है सबके साथ, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन लॉस ज्यादा होता है।
तो एक्चुअली सारा काम लॉस पे करना है, प्रॉफिट पे नहीं करना। प्रॉफिट तो आता है अपनी कैपिटल के हिसाब से, हर आदमी मुनाफा कमाता है लेकिन वो उससे ज्यादा दे देता है, तो सारा काम लॉस पे करना है, उसको कैसे कम करें हम। और बड़े से बड़ा एफआई हो उससे भी लॉस होता है, हर एक को लॉस होता है। आप किसी से सुन लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, एक आदमी आप मुझे यहाँ ऐसा नहीं मिलवा सकते जो कहे कि मैंने 100 ट्रेड ली और मेरे 100 प्रॉफिट में है। तो यानी दूसरी एक बहुत बड़ी सीख जो इस एपिसोड में हम सीख रहे हैं सुनील जी से, कि लॉस से डरना नहीं है, लॉस भी आपके कारोबार का, इस शेयर बाजार के कारोबार का एक अहम हिस्सा है, बस इसे किस तरह से कम किया जाए इसके भी कुछ रूल्स हैं। ट्रेंड देखिए, नंबर वन, हम जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर एजुकेशन का बात करते हैं, समझ का बात करते हैं, नॉलेज का बात करते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रेंड, कि हवा की दिशा किस तरफ है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, एक आम आदमी इससे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो बीसियों बार सुनता है आज ऊपर जा रहा है कल नीचे आ रहा है, रोज वो देखता है 400 पॉइंट मार्केट ऊपर है कल 300 पॉइंट गिर गया, उसे समझ नहीं आता कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का, जैसे अगर एक छोटा बच्चा पतंग उड़ाने के लिए जाता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पतंग उड़ाने का, आज आप पतंग उड़ाना चाहते हैं, आपके पास सबसे पहले आप क्या करेंगे, पतंग उड़ाना चाहते हैं आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप छत पर जाते हैं पतंग लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है आपको, आपकी पतंग उड़ने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। मुझे शायद ये देखना होगा कि मैं पतंग को किस दिशा में उड़ाऊँ, कहाँ उड़ाऊँ। नहीं, दिशा का मतलब आप किसी भी दिशा में उड़ाइए, पूरा खाली है आसमान, क्यों आप सोचते हैं कि इस दिशा में नहीं इस दिशा में उड़ाना है। शायद जहाँ हवा का बहाव अच्छा है, जहाँ हवा चल रही है। जवाब मिल गया आपको, हवा की दिशा में पतंग उड़ाना आसान होता है, हवा की दिशा के ऑपोजिट पतंग उड़ाना मुश्किल होता है। वही इस मार्केट में है, एक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है आप उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है आप उसमें बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करते हैं, आप हवा की दिशा में उल्टा काम कर रहे हैं, आप कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। कोई आदमी हवा की दिशा के अगेंस्ट पतंग उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता। आप हवा की दिशा के अगेंस्ट नाव नहीं चला सकते। आप अपनी एनर्जी भी लगाएंगे, एनर्जी भी लगाएंगे, टाइम भी लगाएंगे, पैसा भी लगाएंगे, हर चीज लगाएंगे और रिजल्ट आपको जीरो, क्योंकि जो बेसिक चीज चाहिए आपके स्टॉक को ऊपर जाने के लिए या उसको ऊपर जाने के लिए वो ही नहीं है वहां पे। एक पतंग को ऊपर जाने के लिए बेसिक चीज चाहिए हवा। इस दिशा में अगर हवा जा रही है आप उस दिशा में उड़ाएंगे, आप लगे रहिए आप 5 घंटे तक, पतंग नहीं उड़ने वाला है आपका। अब 1 घंटे में इस तरफ उड़ रही है तो इधर यहाँ हवा है तो यहाँ उड़ा ली, यहाँ हवा है तो यहाँ उड़ा ली, लेकिन यहाँ पे लोगों को फर्क पड़ता है कि किस दिशा में उड़ रही है। वो बोलते हैं सर हम कभी भी ना शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, हम कभी भी ना बाय नहीं करेंगे। माइंडसेट बना के रखा होता है, सोच बना के रखी होती है कि यही काम करना है हमें, तो बाय करने वाला सिर्फ बाय करेगा, गिरता हुआ है तो भी बाय करेगा, उठता हुआ है तो भी बाय करेगा, भले ही वो अपनी स्टॉक सिलेक्शन बदल देता है कि बाय अगर इस स्टॉक में नहीं करना तो दूसरे स्टॉक में बाय कर लेता, लेकिन बाय ही करना है। तो लेकिन हमारा कहना यही है कि अगर आप, चलिए आप बायर हैं सिर्फ, बहुत सारे लोग होते हैं कि बायर ही होते हैं, वो बाइंग ही कर सकते हैं एक्चुअली, तो कम से कम अगर आपको दिशा पता है नीचे की तरफ है तो आप अपनी एनर्जी तो वेस्ट मत कीजिए। अगर मैंने ये ठान रखा है कि मुझे पूर्व दिशा में उड़ानी है पतंग, तो कम से कम अगर हवा नहीं चल रही तो मैं अपनी एनर्जी तो वेस्ट ना करूं। दूसरी जो सोच आपको बदलनी होगी वो ये कि आप एडमेंट होकर नहीं चल सकते, आप जिद नहीं दिखा सकते शेयर बाजार को। शेयर बाजार अपना एक रुख रखता है, अपनी एक दिशा रखता है और उसी में आपको बहना होगा। बिल्कुल सही। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि शेयर बाजार की एक दिशा है। शेयर बाजार आपने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ, आपने एक छोटे से बच्चे के एग्जाम्पल से हमें समझा दिया, ये हमारा माइंडसेट और हमारे सभी व्यूवर्स का माइंडसेट यहाँ समझा दिया कि आपको एक दिशा लेकर चलनी है। लेकिन अब इसके बाद दिशा भी हमने समझ ली, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, या कहे कि तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप, जैसे अगर हम ये बोलते हैं, हमें थोड़ा सी अपना इसको आगे ले जाना पड़ेगा समझाने के लिए। अगर हम ये बोलते हैं कि ये एक खेल है, खेल के भी नियम होते हैं, हर खेल के नियम हैं। आपको मालूम है जो सबसे हमारे भारत का पॉपुलर गेम है क्रिकेट, हम उससे समझाने की कोशिश करते हैं उस खेल के क्या नियम है, उस खेल का सबसे पहला नियम क्या है। तो सबसे पहले क्रिकेट का क्या रूल होगा, शायद मुझे ये समझना होगा कि बैटिंग क्या है, बॉलिंग क्या है, या किस तरह से मुझे बेसिक जो गेम के रूल हैं वो शुरू करने हैं। हर खेल के अपने नियम होते हैं, जैसे आप गेम की बात करें, क्रिकेट की बात करें, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो नियम होता है होल्ड ऑन द पिच। कोई खिलाड़ी जब मैदान पे आया है अगर वो पिच पे टिका नहीं रहेगा तो कितना भी इंटेलिजेंट हो वो उसमें रन नहीं स्कोर कर पाएगा। उसको कुछ भी करना रहता है लेकिन पिच पे टिके रहना रहता है।
उसको पिच पर टिके होना चाहिए। नंबर टू रूल, जो गेम का ही रूल है उसी गेम का, कि छोटे छोटे रन बीच में एक एक दो दो रन बनाते रहना चाहिए। अगर हर बॉल पे छक्का मारने की सोचेंगे तो आउट हो जाएंगे। सिंगल्स बहुत जरूरी है। बड़ा स्कोर आप किसी भी टीम का देखेंगे, 400 रन का स्कोर है, आप देखिए उसमें जाके मैक्सिमम जो आए होंगे सिंगल्स आए हैं। क्यों? लेकिन इस मार्केट में लोग क्या करते हैं, इस मार्केट में लोग हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं हर स्टॉक में मुझे 20% मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जो ट्रेडर है उसको कभी 2% आएगा, कभी 3 आएगा, कभी ब्रेक इवन पे काटना पड़ेगा। ऐसे ही हर गेम के अंदर, अब इस गेम में और कितना भी इंटेलिजेंट खिलाड़ी हो, कितना भी इंटेलिजेंट खिलाड़ी हो, अगर एटमॉस्फेयर उसके मतलब का नहीं होगा, अगर पिच राइट नहीं होगी, वो खेल नहीं पाएगा। और यहाँ पिच का मतलब है, यहाँ पिच का मतलब है कंडीशंस, चाहे ग्लोबल कंडीशन हो, हमारा डोमेस्टिक कंडीशन है, कोई और दिक्कत हो गया बाहर ईरान में, इराक में कुछ और दिक्कत हो गया, तो अगर वो कंडीशन राइट नहीं है, आप कितने ही अच्छे प्लेयर हो, आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। उन दिनों में आपको थोड़ा डिफेंसिव खेलना पड़ता है, जैसे इस गेम में भी डिफेंसिव खेलते हैं। कितना भी इंटेलिजेंट प्लेयर हो क्रिकेट के अंदर, वो प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं कर सकता। सचिन तेंदुलकर भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करता है। कितना भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस करता है। यहाँ पर लोग मार्केट में सुबह उठ के रोज आ जाते हैं कि सर हम तो आ गए, अब देखते हैं यहाँ क्या होगा, ऐसा नहीं। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो रात को, शाम को, एक दिन पहले प्रिपरेशन करते हैं कि कल क्या करना है, कैसे करना है। यानी अगर हम इसे सीधा सीधा कंपेयर करना चाहें, आपने कहा सबसे पहले होल्ड ऑन टू द पिच, मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल प्रोटेक्शन, आपका कैपिटल रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ देर से आए, जल्दी आए, कैपिटल अगर बचा हुआ है तो आप उसको यूज कर पाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगल्स, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट भी हो उन्हें इग्नोर मत करो, यानी लालच मत करो कि नहीं मैं तो 220 पे ही निकलूंगा। अगर 204 तक भी आपको मुनाफा मिल रहा है तो आप वहां से सौदा काट के निकल सकते हो। बिल्कुल। उसके बाद आपने कहा कि इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट रूल उसके बाद हर इंटेलिजेंट जो भी प्लेयर है उसको प्रैक्टिस भी करना रहता है। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर एटमॉस्फेयर एप्रोप्रिएट नहीं है तो उसको थोड़ा डिफेंसिव खेलना जरूरी है। छोटे छोटे एग्जाम्पल है सुनील जी, लेकिन रियल लाइफ के एक्चुअल एग्जाम्पल्स ही कहीं ना कहीं कायदे बनाते हैं शेयर बाजार के। और एक बात और, जो प्रोफेशनल प्लेयर है उसे कोच चाहिए। जो प्रोफेशनल प्लेयर होगा उसे कोच चाहिए। अगर आपको पार्क में क्रिकेट खेलना है तो आपको कोई कोच नहीं चाहिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर को आज भी कोच चाहिए। आप अगर किसी भी काम को प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो आपको कोई मेंटर, कोई कोच, कोई गाइड करने वाला जरूर चाहिए। चाहे सचिन तेंदुलकर अपने कोच से अच्छा खेलता होगा, लेकिन फिर भी उसे कोच चाहिए। और ये कोच कौन है शेयर मार्केट का, हमारा एडवाइजर? जो एडवाइजर, जो आपके एडवाइजर है या जिनसे आप सीखना चाहते हैं, जिनसे आप समझना चाहते हैं। मतलब आप ये देखिए कि हर खेल के नियम लगभग एक है। तो यानी खेल, आप कह रहे हैं कि खेल के कायदे हैं, चाहे वो खेल रग्बी का हो, क्रिकेट का हो या फिर सॉकर हो, उसी तरह से कायदे शेयर बाजार के भी हैं। और अगर ये रूल अपना ले हम तो हम भी सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। चलिए, क्या ये कायदे क्या होंगे, ये फिर ये स्ट्रैटेजी, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में सुनील मिग्नानी से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी सेम के जो है उनके साथ हुआ युवराज सिंह, एक साल पहले कोई नहीं कह सकता था उनको इस तरह का बीमारी हो जाएगा, या वो बैट पे हो जाएंगे, या वो खेल नहीं पाएंगे। फंडामेंटल ओके थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। इसीलिए फंडामेंटल जो है वो एक हिस्सा देखता है चीज़।